गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल थर्स्ट ऑन बेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपकमिंग रेनो क्विड के बारे में जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। पहले तो बात करें गाड़ी का राइवल कौन कौन होता है। पहले तो ये गाड़ी आपकी मारुति की 800 जो ऑल्टो 800 आती है उससे, ऑल्टो K10, आपकी टियागो, इन गाड़ियों से इस गाड़ी को कॉम्पिटिशन होता है। तो बात करें अब ये देखना ये होगा कि ये गाड़ी इन गाड़ियों को पछाड़ के अब मैदान पे फिर से खड़ी हो पाती है कि नहीं हो पाती। बात करें 2023 के एंड में ये गाड़ी आपकी लॉन्च होने वाली है, इसमें क्या कलर्स आने वाले हैं, क्या वारंटी आने वाली है, क्या स्पेसिफिकेशंस आने वाले हैं, क्या बुकिंग डिटेल्स होने वाली है, ये सारी चीजों की चर्चा इस वीडियो में मैं करूंगा। वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों इसमें लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों ये दोनों गाड़ी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्हीं दोनों गाड़ियों से इस गाड़ी का राइवल है। बात करें रेनो क्विड, वैसे इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिकती है, 1 लीटर के इंजन के साथ आती है और 800 सीसी के इंजन के साथ आती है। कीमत की बात करें जो इसकी नई एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 5.54 लाख रुपीज तक की होने वाली है, जो कि भाई अच्छा खासा कीमत है। और इस कीमत में ये गाड़ी कुछ वैल्यू फॉर मनी वाले फीचर्स भी आपको देने वाली है। जैसे बोला जा रहा है कि इस गाड़ी में अब आपको सनरूफ मिलेगा, सेगमेंट में पहली बार दोस्तों एंट्री लेवल कार में आपको सनरूफ मिलेगा। तो देखते हैं ये है कि ये बिल्कुल सच होता है या झूठ होता है। पहली बार 10 वेरिएंट्स इस गाड़ी में आपको आएंगे, 2 कलर्स होने वाले हैं जो कि एक अच्छी चीज है। आपको 10 वेरिएंट है तो आपका बजट कैसा भी हो, चाहे आप 4.5 लाख लेने जा रहे हो या आपके पास 9 लाख रुपए हो, आपको दोनों चीजों में ये ऑफर करेगी। माइलेज की बात करें तो कंपनी माइलेज इसका 22.35 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम करती है। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम गाड़ी में मिल जाने वाला है, 53 हॉर्स पावर की पावर और 73 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा, जो कि 800 सीसी वाले इंजन के साथ में 1 लीटर वाले में आपको 67 हॉर्स पावर की पावर एंड 90 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है भाई। आपको इसमें क्विड में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, वॉइस रिकॉग्निशन मिल जाता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है। अब आपको बात करें LED DRL मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ORVM मिल जाएगा नई वाली गाड़ी में। गाड़ी का लुक बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, गाड़ी की विड्थ वगैरह बहुत ज्यादा इसमें चेंज करने वाले हैं। आपके बात करें 3.7 मीटर की इस बार लंबाई होने वाली है, 1.7 मीटर की विड्थ हो जाएगी। गाड़ी की कीमत आपकी बोला जाता है कि अक्टूबर के एंड में ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है या आपकी नवंबर के स्टार्टिंग में ये गाड़ी लॉन्च होगी। इस मॉडल की बात करें RXL, RXL ऑप्शनल 1.0, RXL ऑप्शनल 1.0, RXL क्लाइंबर 1.0, RXT ऑटोमेटिक एंड क्लाइंबर ऑटोमेटिक में आएंगे, जो कि 800 सीसी एंड 1000 सीसी दोनों में आएंगे। इनकी ये कीमत गाड़ियां वो है जिनकी कीमत आपकी 5.5 लाख रुपए से ज्यादा होने वाली है। और बात करें इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिल जाने वाले हैं जैसे आपको, लेकिन एक चीज है आपको सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी में आपको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दोस्तों मिल जाने वाली है, जो कि बहुत अच्छा है। ABS CVD मिल जाएगा, बाकी सारे फीचर्स मिल जाएंगे सेफ्टी के लिए, हील रोल असिस्ट मिल जाएगा, कॉर्निंग लैंप्स मिल जाने वाले हैं, आगे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप एक एंट्री लेवल कार ढूंढ रहे हो और आप ऑल्टो देख देख के बोर हो चुके हो दोस्तों, तो आप इस गाड़ी की तरफ बेशक जा सकते हो। मैं आपको फुल सजेस्ट करूंगा क्योंकि क्विड का इंजन वगैरह बहुत अच्छा आता है, ये नए अपग्रेड के साथ आएगी तो आपको और मजा आ जाएगा दोस्तों ये गाड़ी लेने में। गाड़ी में आपको पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, ABS, एयर कंडीशन, ड्राइवर एयर बैग, पैसेंजर एयर बैग, व्हील कवर, सारी चीजें मिल जाने वाली है। वीडियो में यही बताना था आपको, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।